नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो वुमेन्स प्रीमियर लीग के फर्स्ट एडिशन यानी कि WPL 2023 की शुरुआत 4 मार्च से इंडिया में होने जा रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि WPL 2023 में टोटल कितनी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, WPL 2023 का कंप्लीट शेड्यूल क्या है, WPL 2023 में टोटल कितने मैचेस खेले जाएंगे, मैचों की टाइमिंग क्या होगी, मैचेस कौन से वेन्यूज पर खेले जाएंगे, इसके अलावा वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का क्या फॉर्मेट रहेगा और आप WPL 2023 में होने वाले सभी मैचेस का लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग कौन कौन से टीवी चैनल्स और मोबाइल ऐप की मदद से देख पाओगे। तो इस एक वीडियो में आपको WPL 2023 से जुड़ी सभी जानकारी मिलेगी, इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक जरूर देखेगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट और IPL से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 की स्टार्टिंग डेट के बारे में। तो WPL 2023 की शुरुआत 4 मार्च से होगी, जबकि इसका फाइनल मैच 26 मार्च को खेला जाएगा और इस दौरान WPL 2023 में टोटल 22 मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें 20 लीग स्टेज मैचेस होंगे और 2 प्लेऑफ मैचेस खेले जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं टीम्स और उनके कैप्टन्स की। तो WPL 2023 में टोटल 5 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टन है मेग लैनिंग, इसके अलावा मुंबई इंडियंस की कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कैप्टन है स्मृति मंधाना, यूपी वॉरियर्स की कैप्टन है एलिसा हिली और गुजरात जायंट्स की कैप्टन है बेथ मूनी। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं WPL 2023 के फॉर्मेट के बारे में। तो WPL 2023 लीग स्टेज और प्लेऑफ्स फॉर्मेट में खेला जाएगा, जहां पर लीग स्टेज में टोटल 20 मैचेस होंगे और सभी पांचों टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट लीग स्टेज में 2 मैचेस खेलेंगी। लीग स्टेज खत्म हो जाने के बाद जो टीम पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 पर होगी वो डायरेक्टली फाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी, जबकि सेकंड फाइनलिस्ट टीम को डिसाइड करने के लिए पॉइंट्स टेबल पे मौजूद नंबर 2 और नंबर 3 टीम के बीच एक एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। जो टीम वो एलिमिनेटर मैच जीतेगी वो सेकंड फाइनलिस्ट टीम के रूप में WPL 2023 के फाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं वेन्यूज के बारे में। तो WPL 2023 के सभी 22 मैचेस 2 अलग अलग वेन्यूज पर खेले जाएंगे, जिसमें शामिल है मुंबई का DY पाटिल स्टेडियम, यहां पर टोटल 11 मैचेस होंगे, जबकि मुंबई का ब्रेबॉर्न स्टेडियम, यहां भी टोटल 11 मैचेस खेले जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं टाइमिंग्स के बारे में। तो WPL 2023 में टोटल 4 डबल एडर्स होंगे, जबकि बाकी दिन सिंगल मैचेस खेले जाएंगे। तो जिस दिन डबल एडर मुकाबले होंगे उस दिन पहला मैच इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर में 3:30 बजे से यानी कि 3:30 PM से स्टार्ट होगा, जबकि दिन का दूसरा मैच इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7:30 बजे से यानी कि 7:30 PM से स्टार्ट होगा, और जिस दिन सिर्फ सिंगल मैच होगा उस दिन वो मैच इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7:30 बजे से स्टार्ट होगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं WPL 2023 के फुल शेड्यूल के बारे में। तो WPL 2023 का फर्स्ट मैच खेला जाएगा 4 मार्च को गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच DY पाटिल स्टेडियम में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7:30 बजे से यानी कि 7:30 PM से, जबकि दूसरा मैच खेला जाएगा 5 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ब्रेबॉर्न स्टेडियम में इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर में 3:30 बजे से यानी कि 3:30 PM से, जबकि 5 मार्च को तीसरा मैच खेला जाएगा यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स के बीच DY पाटिल स्टेडियम में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7:30 बजे से यानी कि 7:30 PM से। और बाकी के लीग स्टेज मैचेस का शेड्यूल आप अपनी स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हो, जहां पर लीग स्टेज का जो आखिरी मैच है वो खेला जाएगा 21 मार्च को यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ब्रेबॉर्न स्टेडियम में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7:30 बजे से, और इसके बाद 24 मार्च को एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा DY पाटिल स्टेडियम में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7:30 बजे से, जबकि 26 मार्च को WPL 2023 का फाइनल मैच होगा ब्रेबॉर्न स्टेडियम में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7:30 बजे से। के बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं WPL 2023 की लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले लाइव टेलीकास्ट की बात कर लें तो इंडिया में WPL 2023 का लाइव ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वियाकॉम 18 नेटवर्क के पास है, जहां पर दोस्तों आप टीवी में इंग्लिश कमेंट्री में WPL 2023 के सभी मैचेस का लाइव टेलीकास्ट स्पोर्ट्स 18-1 चैनल और स्पोर्ट्स 18-1 HD चैनल की मदद से एंजॉय कर पाओगे। वहीं पर हिंदी कमेंट्री में आप स्पोर्ट्स 18 खेल चैनल की मदद से भी WPL
2023 के सभी मैचेस का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं लाइव स्ट्रीमिंग की, तो आप अपने मोबाइल फोन में जियो सिनेमा एप्लीकेशन की मदद से हिंदी, इंग्लिश समेत कई सारी भाषाओं में WPL 2023 के सभी मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग एंजॉय कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप जियो सिनेमा एप्लीकेशन पर बिल्कुल मुफ्त में, यानी कि बिना किसी सब्सक्रिप्शन के, WPL 2023 के सभी मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग एंजॉय कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, ये रही WPL 2023 से जुड़ी सभी जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि WPL 2023 में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और आप वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 में किस टीम को सपोर्ट करोगे। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।